हेलो दोस्तों, तो फाइनली विक्रम वेदा रिलीज़ हो चुकी है और अपने नज़दीकी थिएटर में लग चुकी है। तो क्या आपने जाके ये मूवी देखी? अगर नहीं देखी है तो जल्द से जल्द देखिए। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। तो क्या ये एक ओरिजिनल मूवी है? नहीं, ये तो एक रीमेक मूवी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें इसे जाकर देखना चाहिए? भले ही ये मूवी एक मल्टी टारर सिनेमा है, लेकिन इसके मेन हीरो है इसकी कहानी। जैसे इसका नाम है विक्रम और वेदा, कहानी भी वैसी ही चलती है विक्रम और वेदा के बीच। इस मूवी में सैफ अली खान का विक्रम का कैरेक्टर है, एक ईमानदार पुलिस वाला, एक इनकम स्पेशलिस्ट जिसका अपना एक नजरिया है दुनिया को देखने का, ब्लैक एंड व्हाइट, सही और गलत। और दूसरी तरफ वेदा का कैरेक्टर प्ले किया है ऋतिक रोशन ने, जो कि एक गैंगस्टर है, यमराज है, द गॉड हिमसेल्फ है, जो कि बहुत ही क्रूर और निर्दयी है। कहानी कुछ इस तरीके से दिखाई गई है, जो अपना इनकाउंटर स्पेशलिस्ट विक्रम है, जो एक के बाद एक इनकाउंटर किए जाता है वेदा के पास पहुंचने के लिए, एक दिन अचानक से वेदा खुद को सरेंडर कर देता है और विक्रम को एक कहानी सुनाता है जिसमें सही और गलत चुनने के लिए उसे कहता है। जैसे ही कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है, तब सही और गलत रहता ही नहीं है, बस गलत और सबसे ज़्यादा गलत। एक सीन में वो विक्रम से पूछता है कि आप किसे दोषी ठहराओगे, जिसने मारने का ऑर्डर दिया उसे या जिसने मारा उसे। जैसा कि ट्रेलर में भी बताया गया है कि दुनिया का नज़रिया देखने के लिए आप सही और गलत के बीच में मत देखिए, सही और गलत के पार भी कुछ अलग है, और वही इस मूवी में दिखाया गया है। हालांकि ये मूवी एक रीमेक है, लेकिन कुछ कुछ रीमेक होते हैं ना जो ओरिजिनल से भी बेटर लगते हैं, जैसे कि कबीर सिंह वो अर्जुन रेड्डी से भी बेटर लगी थी, ये भी रीमेक कुछ ऐसा ही है। सच कहूँ तो कहानी और प्लॉट और सीन सेम टू सेम है, लेकिन जो नया है, जो यूनिक है ना इस मामले में, है एक्टर की एक्टिंग। सच में कहूँ तो यार, ऋतिक, ओ माय गॉड, उसे देख के तो गूज बम्स आने लगते हैं। इतना रूथलेस, इतना मर्सीलेस कोई विलन हो भी सकता है ये सोचना भी मुश्किल होता है, क्योंकि ऋतिक ने इससे पहले भी नॉर्थ इंडिया के कैरेक्टर्स किए हुए हैं। यूपी का कैरेक्टर किया हुआ है, आनंद सर सुपर 30 हमने देख चुके हैं, लेकिन वो एक सिंपल सा ऑर्डिनरी कैरेक्टर था, लेकिन ये एक गैंगस्टर का कैरेक्टर। और ऋतिक की मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी कि उन्होंने ओरिजिनली जो ओरिजिनल जो मूवी है विक्रम वेदा, उसमें जो विजय सेतुपति ने जो लेजेंडरी एक्टिंग की है, उन्होंने उनकी कॉपी करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने खुद से अपना एक वेदा बनाया है, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। उम्मीद है आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। सच कहूँ तो सैफ अली खान ने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया। कॉप का रोल उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया। अगर बात करूँ सैफ की, तो आपने उसे पिछली बार कॉप में कब देखा था? कॉप के रूप में मेरे ख्याल से शायद सेक्रेट गेम में ही। सच को तो अगर आपने ओरिजिनल कहानी देखी भी होगी, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर जाके एक बार थिएटर में ये मूवी देखें, क्योंकि बॉस जिस तरीके से एक्टर ने एक्टिंग की है ना, स्पेशली जो ऋतिक ने नेचुरल एक्टिंग की है ना, सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मूवी फुल टू मसाला और मास एक्शन से भरी हुई। अगर बात की जाए बाकी के एक्टरों की, तो उन्होंने अपना किरदार खुल के किया है, स्पेशली अगर राधिका आप्टे का अगर आप कैरेक्टर देखोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने वो निभाया। इसी के साथ रिव्यू में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।